वेट कीजिए मैम, आई नो पेशेंट देखने का टाइम 9 बजे से है, पर कमर में बहुत ज़्यादा ही दर्द है। कमर में? देखने में दिक्कत हो रही है एक्चुअली। रात को बिस्तर बहुत ढूंढा, दिखाई नहीं तो फिर जमीन पे लेटना पड़ा, उस वजह शायद कमर में भी। डॉक्टर प्लीज कुछ करिए, आंखों का ही प्रॉब्लम है। आइए। किधर? बताइए क्या प्रॉब्लम है। पता नहीं मैम, कल रात से सिर्फ एक ही चेहरा नजर आ रहा है, मतलब सेंटर में वो चेहरा, उसके अलावा सब आउट ऑफ फोकस। चेहरा? किसका चेहरा? दुनिया का सबसे सुंदर चेहरा। अभी भी दिख रहा है आपको? फुल एचडी में। पढ़ने में कोई तकलीफ? चार्ट पर लेटर्स पढ़ लिए। आई एल यू वी यू, उसके नीचे डी ए टी ई, फिर क्वेश्चन मार्क सा नजर आ रहा है कुछ। मुझे कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, आपको जल्दी तो नहीं है ना? नहीं नहीं बताइए क्या करना है। कुछ नहीं, बस आंखें खोलनी है। हाँ। और कितना टाइम लग जाएगा मैम वैसे? नहीं ये मक्खी घूम रही है ना, आंख में अंडे ना दे दे बस। एक ऐसा ही केस मेरे पिछले हॉस्पिटल में भी आया था, एक पेशेंट था, उसको भी तेरी तरह हर जगह एक ही चेहरा दिखाई दे रहा था। तेरी, आपसे तू, मैम हम फ्रेंड्स बन गए क्या? और जब उसने मुझे ये बताया कि वो चेहरा मेरा ही था, उसका डायग्नोसिस तभी कर दिया मैंने। उसकी आंखें नहीं, नियत खराब थी। और नियत मेरी स्पेशलिटी तो नहीं है, पर क्या करूं, डॉक्टर हूं ना, पेशेंट का इलाज तो करना ही पड़ेगा। वो चेहरा धीरे धीरे गायब हो रहा है मैम, पंखा छत सब साफ दिखाई दे रहा है मुझे, मेरी आंखें ठीक हो गई है मैम। प्रोसीजर से पहले वो भी यही बोल रहा था, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। मैम दोस्ती, दीदी दीदी जी, सॉरी दीदी, गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी, मैं दोबारा नहीं करूंगा, दोबारा आऊंगा ही नहीं मैं यहां। आज के बाद अगर तू, तेरा कोई दोस्त, तेरा कोई परिवार वाला मेरे घर, मेरे मोहल्ले के आसपास भी दिखाना, तो थ्योरी नहीं सीधा प्रैक्टिकल करूंगी। शोकन्ना होकर सुन लिया मैम। अब मैं तुझे जाने दूंगी, तू ना पीछे मुड़ के देखेगा ना सॉरी बोलेगा, ऐसे भागेगा जैसे तेरे घर में आग लगी हो। ये हटा दो, मैं बहुत तेज भागूंगा मैम। दीदी यार ये लल्ली मरवाएगा किसी दिन।